हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बड़ा अपडेट आज का आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। पूरा वीडियो पे बने रहेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा और आपका डेट शीट भी जो है वो रिलीज हो चुका है। ओके, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला। मैं आपको बता दूं कि आईसीएसई बोर्ड का जो डेट शीट है वो रिलीज कर दिया गया है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएसई बोर्ड का डेट शीट जो है वो रिलीज हो गया है और सीबीएसई का भी बोर्ड डेट शीट जो है वो कुछ ही मतलब हो सकता है कि आज नाइट में रिलीज कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि कल भी रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन चलते रहता है। तो आईसीएसई बोर्ड ने जब आपका डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया है तो सीबीएसई बोर्ड भी आपका डेट शीट जो है वो रिलीज कर ही देगा। हो सकता है आज ही रिलीज कर दे वो या फिर कल रिलीज कर दे या फिर परसों, बट वो कर देगा, क्योंकि दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ कंपटीशन चलता ही रहता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, और मैं लास्ट में यह भी बताऊंगा कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में से किसने जो है कंपार्टमेंट एग्जाम को बिल्कुल रद्द कर दिया है, अब आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो नहीं होगा। किसका नहीं होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो आईसीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं उनका डेट शीट रिलीज हो गया है। अब कब कब आपका जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10 और 12 दोनों का डेट शीट जो है वो जारी कर दिया है आईसीएसई बोर्ड ने। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीएसई बोर्ड का, उसमें जाकर के आप जो है अपना डेट शीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जल्दी से वहां पर, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको जल्दी से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपका जो डेट शीट है वो डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो क्लास, पहले मैं क्लास 10 वाले को बता देता हूं, फिर मैं आपको क्लास 12 वालों को बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, फिर मैं सीबीएसई वालों को भी मैं अपडेट दूंगा कि उनका क्या अपडेट है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के या फिर डेट शीट को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका icic.org का, उस पे जाकर के आपको अपना डेट शीट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्लास 10 के लिए कि आपका जो एग्जाम है वो 21 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश पेपर के साथ। आपका जो डेट शीट है, आपका जो एग्जाम है 21 फरवरी यानी 21 फरवरी से आपका एग्जाम जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश पेपर के साथ। याद रखिएगा 21 फरवरी से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश पेपर के साथ में। दूसरा बात है आपका 28 मार्च को कला पेपर के साथ आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी आर्ट्स पेपर के साथ जो है आपका एग्जाम जो है वो कब खत्म हो रहा है, 28 मार्च को जो आपका एग्जाम है वो खत्म हो रहा है। ये है आपका क्लास 10 वालों के लिए। बता दो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, तो क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है वो आपका 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। 12 फरवरी से क्लास 12 वाले बच्चे 12 फरवरी से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल को आपका एग्जाम जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि 12 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 फरवरी को आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो दोपहर में 2 बजे से शुरू होगा और 3 घंटे का होगा। 2 बजे से शुरू होगा और 3 घंटे का होगा, 2 बजे एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे जो है आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, क्लास 10 वालों के लिए भी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, ये है आपका आईसीएसई बोर्ड का। और एक बहुत बड़ा अपडेट है आईसीएसई बच्चों के लिए, जो इस बार का मान के चलो कि ये शॉकिंग न्यूज है आपके लिए, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका बहुत बड़ा मान के चलो कि ये आपके लिए बैड अपडेट है, बहुत ही बैड अपडेट है, खास करके आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक, उनका क्या कर दिया गया है, पहले कंपार्टमेंट एग्जाम होता था, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम होता था। जो बच्चे जिनका कंपार्ट लग जाता था कोई भी पेपर में, तो वो क्या करते थे, कंपार्टमेंट का एग्जाम देते थे। बट अब क्या होगा, आईसीएसई बोर्ड वाले को बहुत बड़ा अपडेट है आज का, शॉकिंग न्यूज जिसको मान सकते हो, उनका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है ना वो रद्द कर दिया गया है। अब से अब आपका कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो नहीं होगा, इसलिए आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, आपको एक बार में ऑल सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा और आपको दोबारा जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम देने नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल आईसीएसई बोर्ड ने रद्द कर दिया है। सीबीएसई वालों ने क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आईसीएसई बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो इस बार रद्द कर दिया गया है। अब आपका आईसीएसई बोर्ड का जो कंपार्टमेंट वाला एग्जाम होता था वो अब आपका नहीं हो। क्या होगा उसके जगह में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसके जगह में आपका क्या होगा, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन होगा, यानी रीचेक होगा। एक ऑप्शन दिया गया है इसके साथ में, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पहली बात कि आपका जो है एग्जाम जो है डेट शीट आ चुका है, दूसरा है कि आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, तीसरा अपडेट है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपका जो कॉपी है, आपको पेपर में आपका अगर कंपार्ट लग जाता है, पहली बात कि आपको एग्जाम नहीं देना है, कैंसिल है, रद्द कर दिया गया है, आपको क्या करना होगा, आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन आप करा सकते हो, पुनर्मूल्यांकन आप करा सकते हो, मीन्स कि आप रिचेक करा सकते हो। उसमें भी आपको ऐसे रिचेक नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, कुछ फी देना होगा, आपको कुछ पैसा जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसके लिए आपको यहां पर दे दिया गया है कि आईसीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों को प्रति विषय 1500 रुपये का भुगतान करना होगा, यानी कि आपको 1500 रुपीज, यानी 1500 रुपया जो है ना आपको एक पेपर का लगेगा, आपको 1500 रुपया अब से जो है वो भुगतान करना होगा। उसके बाद यहां पर और है, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जब आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्ट लग जाता है तो आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए 1500 रुपया देना होगा और दोबारा वो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा, वो आपका चला गया पैसा, 1500 रुपया और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अब आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आपका कोई पेपर में वाइदवे अगर कंपार्ट लग जाता है तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने अब नहीं मिलेगा।
और दोबारा आप कॉपी रीचेक तो करा सकते हो, बट आपको 1500 रुपया का फाइन लगेगा, 1500 रुपया आपको जमा करना होगा पर पेपर, तब आपका जो है पुनर्मूल्यांकन हो सकेगा, तो उसमें भी आपका पैसा जो है वो वापस नहीं मिलने वाला है। ये है आपका सबसे बड़ा अपडेट आज का ICIC बोर्ड वालों के लिए। अब CBSE वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि CBSE वालों को क्या अपडेट है। CBSE वाले जब ICIC बोर्ड ने अपना डेट शीट रिलीज कर दिया, तो हो सकता है कि आज नाइट में या फिर कल मॉर्निंग में या कल परसों तक आपका भी डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा CBSE वालों का। चूंकि CBSE वालों का अभी भी कुछ ना कुछ नया नया जो है ना आपका अपडेट CBSE करता जा रहा है, हो सकता है आगे वो अपना आपका भी जो कंपार्ट का एग्जाम है वो भी कैंसिल कर दे, चूंकि दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ टक्कर चलते रहता है, ICIC बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो। तो हो सकता है कि CBSE बोर्ड भी कुछ अपडेट कल या परसों ले आए या फिर आज ही ले आए, इसलिए आप हमेशा अपडेट रहा करो। जितना आप तैयारी करते हो ना, उससे भी ज़्यादा आपको अपडेट रहना भी जरूरी है कि CBSE हो या फिर ICIC बोर्ड हो क्या क्या वो रूल रेगुलेशन लाता है, उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इसलिए आपको अपडेट रहना भी काफ़ी जरूरी है। आपको तैयारी कैसे करना है, क्या चेंजेज हो रहा है CBSE में, क्या चेंजेज हो रहा है ICIC बोर्ड में, ये चेंजेस भी आपको जानना बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ में। तो जल्दी ही आपका CBSE बोर्ड का भी डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ICIC बोर्ड ने रिलीज कर दिया है, इसलिए आपको अब ध्यान से अच्छे से जो है वो पढ़ाई करना होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर आपका अगर कोई बाय द वे अगर कोई सब्जेक्ट में कंपार्ट लग जाता है तो फिर आपको दोबारा जो है एग्जाम देने कंपार्ट का नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो अभी से, चूंकि कल या परसों या फिर एक दो दिन के अंदर में CBSE वालों का भी डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। CBSE बोर्ड वालों का डेट शीट रिलीज कर दिया जाता है तो आप अपना डेट शीट डाउनलोड कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, CBSE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.w वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इस वेबसाइट में जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन वेबसाइट का, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे न्यू करके। सबसे टॉप में ऊपर में आपको डेट शीट का PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना डेट शीट रिलीज अपना डेट शीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये है आपका CBSE वालों के लिए। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मेन वेबसाइट का, सबसे टॉप में आपको डेट शीट का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही आपका डेट शीट आता है मैं तुरंत आपको डिटेल वीडियो में आपको इतना ही बताता हूं। मिलते हैं हम लोग फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।